भगवंत मान दे नाल फुल्लां वाली होली पहला मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खेडी। होली खेडन उपरंत हुण पंजाब दा पानी मंगिया गया है। सतलुज यमुना लिंक का मुद्दा एक बार मुड़ तो उभरदा दिखाई दे रहा है। गुआढ़ी सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि पंजाब के पानिया के मुद्दे से पंजाब की मौजूदा सरकार की दोहरी जिम्मेवारी बनती है। होना पंजाब तो पानी असी लेना है तो दिल्ली को अगे भेजन का भी काम असी करना है। SYL ते पानी देण दी आम आदमी पार्टी की वधेरी जवाबदेही है। दोवां सूबियां च आम आदमी पार्टी की सरकार है। सतलुज यमुना लिंक दरअसल पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 SYL की नींह किसने रखी किसने टक लाया वो बाद की गल है, पर मुद्दा हुण यह है कि SYL के मुद्दे ते जिथे साबका सरकार जमीन नूं लैके डी नोटिफाई बिल 2016 च अकाली दल BJP की पास कर चुकी है। हरियाणा पंजाब का पानी मंग रहा है तो हरियाणा जिथे पंजाब का पानी मंगता है उत्थे ही भगवंत मान फुल्लां दी होली हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नाल खेड के आए ने। जदों होली खेडी गई तो बाद विच इह बयान आया कि हुण तुहाडी जिम्मेवारी दूरी बनती है जी। पंजाब दे ब्यूरो चीफ इस खबर से ज़्यादा जानकारी दी सांझ पाउणगे नीतिका साडे नाल फोन लाइन जरिए जुड़ चुके। नीतिका, हुण विचोले की भूमिका हरियाणा निभावेगा कि असी पंजाब तो पानी लैना है तो भेजना दिल्ली नूं है? देखो किशन, SYL का मुद्दा जिहड़ा है वह लगातार तुसीं देखोगे विवादा दे विच रहा है। तो जदों कांग्रेस गवर्नमेंट सी तो उस वेले लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह ते कांग्रेस के होर लीडर कहते रहे कि असीं एक भी जिहड़ा है बूंद पानी का हरियाणा नूं नहीं देना, तो वह अपने स्टैंड से कायम रहे। ताइयो पानिया का राजा जिहड़ा वह जरूर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ना भी दिता गया। पर जदों असीं पुछिया सी कैप्टन अमरिंदर सिंह ते BJP दे लीडर्स नूं भी कि जे तुहाडी गवर्नमेंट पंजाब दे विच आउंदी है कि तुसीं इस मुद्दे का हल लभोंगे, तो इसनूं लैके गजेंद्र शेखावत ने जरूर कहा सीगा कि जे क्योंकि हरियाणा च भी BJP की सरकार है, जे पंजाब से भी असीं आउंदे आ तां जरूर हल कढ़िया जाएगा। पर हुण जिस तरह कार देखो खेलिया गया है मनोहर लाल खट्टर वल्लों, उन्हां वल्लों यह कहा गया कि हुण दोहरी जिम्मेदारी जिहड़ी है वह बन जाती है आम आदमी पार्टी की जवाबदेही बन जाती है, क्योंकि उन्होंने कहना कि जे SYL का पानी सानू मिलेगा फिर ही असं अगे दिल्ली नूं दे पावांगे। तो हुण तां दिल्ली दे विच भी आम आदमी पार्टी है, पंजाब च भी आम आदमी पार्टी है। जो तुसीं देखोगे अज मुलाकात भी जी भगवंत मान के नाल ही मनोहर लाल खट्टर की हुई है, क्योंकि गवर्नर के घर के होली का प्रोग्राम सीगा, उत्थे होली मिलन के दौरान दोवां की मुलाकात हुई है। और भी कई मुद्दे पर चर्चावां जिहड़ियां होईयां होणगीयां, क्योंकि हमेशा तो ही हरियाणा नूं पंजाब का छोटा भरा जिहड़ा है वह किया जाता है, इत्थों तक कि दोवां की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। तो पर कई मुद्दे से कह सकते हैं कि हाले भी गरारी जिहड़ी है जरूर फसी हुई है, तो इहदे विच SYL का मुद्दा सब तो ज्यादा अहम रहा है। हुण देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपने टाइम से कहता कि एक भी बूंद पानी नहीं देवांगे, पर हुण आम आदमी पार्टी की कोई हल कढ़ने की कोशिश करती है या नहीं? पर नीतिका देखो दोनों चो सैक्रीफाइस एक नू करना पै सकता है, जां तां फिर दिल्ली की हकूमत नू जां पंजाब की हकूमत नू। मुख्य सवाल इत्थे है कि SYL वो मुद्दा है जिसने सैकड़े लोगों की जान ली है, सैकड़े इंजीनियर इत्थे मार दिते गए। हाँ बिल्कुल, लेकिन राजनीति इससे बहुत ज्यादा होंगी रही है, तो देखोगे टाइम टाइम से ये राजनीति जी है वह जरूर होंगी रही है। पर यह देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि हुण हल की करते हैं कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड पंजाब दे विच कांग्रेस वाला ही रहेगा कि एक बूंद पानी जिहड़ा है अकाली दल का भी, क्योंकि यही स्टैंड सीगा भी SYL जिहड़ा है पानी नहीं जाना चाहिए, हरियाणा नहीं देना चाहिए, क्योंकि पंजाब दे विच भी पानी का लेवल जिहड़ा है लगातार घट रहा है, बार बार उन्होंने वालों कहा जाता है। नीति के इत्थे इक सब तो इंटरस्टिंग बयान तुहाडे याद होएगा जदों अरविंद केजरीवाल 17 की इलैक्शन नूं कंपेन कर रहे सी कि पानी ते सब दा हक है, विरोधी धिर ने बड़ा तूल दिता सी उस बयान। हाँ बिल्कुल, यह जरूर BJP से भी स्टैंड रहा है, तो उदो उन्हों का भी स्टैंड जो है अरविंद केजरीवाल का भी यह रहा है कि पानिया का पानिया से हक हर किसी है, क्योंकि देखो ना राजस्थान में भी कितनी देर पानी जो है वह पंजाब दिता रहे हैं। बिल्कुल नीतिका, मैं रोकना चाहूंगा। जय कृष्ण सिंह रोड़ी साडे नाल फोन लाइन जुड़ चुके ने। रोड़ी साहब स्वागत है जी तुहाडा। भगवंत सिंह मान फुल्लां वाली होली हरियाणा के मुख्यमंत्री नाल खेड के आए ने, पर बयान मुख्यमंत्री साहब का आउंदा है कि पानी दिओ सानू, असी हरियाणा दा पानी पंजाब तो लैना ते फिर भेजना सी दिल्ली नूं है, पानी कदों दे रहे हो हरियाणा नूं? बहुत मेहरबानी तुहाडी। देखो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री आ, वो कोई भी जान दे सकते आ, वो अपनी उन्हां दी हैगा आ,
और पंजाब के मुख्यमंत्री कल भगवंत सिंह मान साहब ने जी है खटखट कलां के उत्ते पंजाब की जी मुख्यमंत्री जो सौ चुकी है और अज पहला दिन सेगा सैशन का जिस विधायक ने जरा अपने सौ चक समागम से और 19 तरीक में साड़ा मंत्रिमंडल है वो जरा सौ चक समागम होना और पंजाब के मुद्दों के लिए थले पानी देंगे जिन्हें भी होर इशू ने सारे अभी बिल्कुल पंजाब का स्टैंड पहले भी क्लीयर है अज भी क्लीयर है आम आदमी पार्टी पंजाब सारा जिहड़ा पंजाब तों आपां बिल्कुल सुनहरी पंजाब जिहड़ा जिहड़े आपां कहिंदे कि रोड़ी साहब मुख्यमंत्री हरियाणा कहिंदे ने कि दूरी जिम्मेवारी है तुहाडी हुण क्योंकि दिल्ली च भी तुहाडी सरकार है पंजाब च भी तुहाडी सरकार है साडी की जिम्मेवारी है ये सानू खुद नूं पता है मुख्यमंत्री साहब दे दसण नाल नहीं होनी और किसी होर पानी पंजाब दा है। हरजीत सिंह गरेवाल साडे नाल जुड़ चुके ने फोन लाइन जरिए। गरेवाल जी मनोहर लाल कहिंदे ने कि पंजाब दा पानी हरियाणा नूं दो असीं दिल्ली भेजना है दूरी जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी दी है पर आम आदमी पार्टी दे विधायक जय कृष्ण रोड़ी साडे नाल ने वो कह रहे ने कि पंजाब दा पानी पंजाब दा है। देखो असीं पंजाब दी भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे हक्कां दी राखी लई अपनी लड़ाई लड़ेगी और जे पंजाब दे नाल कोई भी ना इंसाफी होएगी ते जां कोई भी सरकार करन दी कोशिश करेगी असीं पूरा पहरा देंगे पंजाब दे हक्कां ते और पंजाबियां दे नाल पूरी तरह ये पंजाबियां दी पार्टी है पंजाब बीजेपी ते असीं पूरा नाल खड़ांगे। और दूसरी गल ये है कि हुण आम आदमी पार्टी ने देखना उन्हां दी जिम्मेदारी है कि अपनियां नीतियां किस तरह उन्होंने बनाया ने की उन्होंने करना अगे अगे सामने आनिया ने अज क्योंकि नवी सरकार बनी है ते अपनियां जिम्मेदारियां संभाल रहे ने ते उहदे च जिथे किते भी कोई छोटी मोटी कुताही हुंदी है असीं जरूर आइडेंटिफाई करके। हरियाणा दे मुख्यमंत्री बयान दे रहे ने बीजेपी नूं रिप्रेजेंट कर रहे गरेवाल जी वो कहिंदे पानी ते साडा हक है पंजाब तो असीं पानी लैणा भेजना सी दिल्ली है। नहीं 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 मुख्यमंत्री कदे बीजेपी नूं जां किसे नूं रिप्रेजेंट नहीं करदे पर हरियाणा दा मुख्यमंत्री हरियाणा नूं रिप्रेजेंट कर रहे ने इह पर पार्टी तां किते मायने रखदी है ना गरेवाल जी पंजाब दे इक मिंट सुण लो ना पंजाब दे मुख्यमंत्री पंजाब नूं रिप्रेजेंट कर रहे ने इह इहनां ने दसणा कि इहनां ने की करना इहनां ने पंजाब दे हक्कां दे लई खड़े होणा जां नहीं होणा उह भगवंत मान दसणगे मुख मानयोग मुख्यमंत्री ने ते असीं इन्हां चीज़ां ते आपदी जिम्मेदारियां लई ओह जवाबदेह ने जो साडियां जिम्मेदारियां ने उहदे लई असीं जवाबदेह हां ते जरूर उहनां नूं अपनियां जिम्मेदारियां लई जवाबदेह होणा पवेगा ते उह दस्सण पंजाब दी जनता नूं कि उह की करना चाहुंदे आ किस तरह चलाउणा चाहुंदे आ और कई चीज़ां च असीं जिस तरह हुण जिहड़ा हैगा इस सीएम दी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई आ पैसा सरकारी लग्गिया काफ़ी और श्री अमृतसर साहब च भी पार्टी दे उस ते सरकारी पैसा लग्या सी ओह ठीक है यानी कि तुसी कह रहे हो कि बीजेपी पंजाब पंजाब दे हक लई खड़ी यही गल रोड़ी साहब कह रहे रोड़ी साहब फिर दिक्कत किथे है इस मौके ते इस बयान दे मायने की देखदे हो तुसी। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਣ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਰਾਹ ਚ ਡੱਕੇ ਡਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੀਆਂ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਫ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਰੋਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਲੇ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ
बिल्कुल बिल्कुल ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਭਖਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।